सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में आपको पता चलने वाला है बहुत छोटी एंड कॉमन सी चीज़ें, जो कि बहुत ज़्यादा छोटी है और बहुत ज़्यादा सिंपल कॉमन सी है। ऐसे ही टिप्स और हैक्स आपके साथ मैं शेयर करने वाली हूँ। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दी माई चैनल। आई एम स्वाति एंड यू आर वॉचिंग सीक्रेट लाइफ विद स्वाति। आई रिक्वेस्ट टू यू फ्रेंड, इफ़ यू आर न्यू ऑन दी चैनल, प्लीज डू कंसिडर टू सब्सक्राइब माई चैनल काइंड ऑफ दिस वीडियोज। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स मूव ऑन द अवर फर्स्ट हैक। सो देखिए फ्रेंड्स, जैसे मैंने कहा बहुत कॉमन सी और छोटी सी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो ये सबसे पहली कॉमन सी बात है, कॉमन सी चीज़ है। तो देखिए, हमारे घर में गार्लिक और अनियन का तो सबके ही घर में यूज़ होता है, मोस्टली सबके ही घर में होता है। तो हम लोग अनियन और जो गार्लिक के छिलके उसे फेंक देते, उसे ना फेंक कर इसको हम लोग दो तरीके से यूज़ कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले देखिए, इसमें हमें पानी डालना है, पानी इतना डालना है कि ये अच्छे से डीप हो जाए, और इसे रात भर के लिए हमें ऐसे ही रखना है सोख करके। आप 10 से 12 घंटे भी रख सकते हैं। तो जैसे कि मैंने कहा है दोस्तों कि इसका हम लोग दो तरीके से यूज़ कर सकते हैं। फर्स्ट, जैसे कि इसका जो पानी है इसको स्ट्रेन करने के बाद आप लोग प्लांट में दे सकते हैं। और सेकंड जो टिप्स है, जैसे कि हम लोग जब हेयर वॉश करते हैं उसके बाद इसको, इसका जो पानी हमें यूज़ करना है रिंस वाटर के तरह, ये आपके बालों के लिए भी बहुत अच्छा हेल्दी होता है और आपकी हेयर ग्रोथ भी बढ़ाता है और बहुत अच्छे से ये वर्क करता है। तो आप इस तरीके से भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये है हमारी सेकेंड टिप्स। तो देखिए, हमारे यहाँ पर आयरन की कढ़ाई होती है, तो आयरन की कढ़ाई में इसमें जंग लग जाता है। तो जंग लगने से हम लोग इसे कैसे बचा सकते हैं, तो वही टिप्स आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। यहाँ पर हमें यूज़ करना है रिफाइन ऑयल या कुकिंग ऑयल, आप जो भी ऑयल यूज़ करते हो, सरसों या फिर जो भी यूज़ करते हो, उसे यहाँ पर लगा लेना है। और लगाने के बाद चाहे तो आप ऐसे ही रख सकते हैं, या फिर आप कॉटन का कपड़ा लेके, या फिर आप टिश्यू पेपर का यूज़ करके इसे क्लीन कर लीजिए, ताकि इसमें डस्ट वगैरह ना लगे। तो इस तरीके से आप अपनी कढ़ाई को वॉश करने के बाद ऑयल लगा कर रख सकते हैं, जिससे कि जंग नहीं लगेगा और आपकी कढ़ाई ख़राब भी नहीं दिखेगी और आपको मेहनत भी नहीं करना पड़ेगा। सो लेट्स मूव ऑन दी अवर थर्ड हैक। सो फ्रेंड, देखिए, हमारे यहाँ पर कीड़े लगने की कॉमन प्रॉब्लम है, बहुत कॉमन और छोटी सी प्रॉब्लम है। हम लोग जब भी कोई चीज़ें स्टोर करके रखते हैं, चाहे दाल हो या फिर चाहे रवा हो, चाहे सूजी हो, चाहे जो भी स्टोर करने वाली चीज़ें होती है, उसको हम लोग स्टोर करते हैं, और उसमें मीन्स कि बहुत जल्दी कीड़े लग जाते हैं, वो लॉन्ग लास्टिंग नहीं होते हैं। तो हम इसको लॉन्ग लास्टिंग कैसे बना सकते हैं, वो चीज़ें मैं शेयर करने वाली हूँ, जिससे कि आपके जो घर की चीज़ें हैं वो जल्दी ख़राब भी नहीं होगी और लॉन्ग लास्टिंग भी रहेगी। तो हमें क्या करना है, इसे 2 से 3 मिनट के लिए हमें गैस स्टोव पर इसको सेकना है। तो सेकने के बाद देखिए, 2 से 3 मिनट हमें सेकना है। सेकने के बाद इसे ठंडा होने देना, हमें पकाना नहीं है, पकाना नहीं है इसको, बस सेकना है, जिससे कि ये थोड़ा सा गर्म हो जाए। और उसके बाद और फिर इसे ठंडा करना है। आफ्टर डैट आपको कंटेनर में फिल कर लेना है। सो फ्रेंड्स, नेफ्थलीन बॉल हमारे सबके घर में अवेलेबल होता है, इसे डामर गोली भी कहा जाता है। तो देखिए, गर्मी की इसमें हमें इसका यूज़ कैसे करना है, हमारे पास अगर लक्ष्मण रेखा नहीं है और हमारे यहाँ पर चींटी ज़्यादा हो रही। सो दोस्तों, मैं जैसे कि वीडियो में आपको शो करवा रही हूँ, इसी तरीके से जहाँ चींटी हो रही वहाँ पर हमें चला लेना है। उसके बाद आप देखिए, वहाँ से चींटियाँ गायब हो जाएगी। सो फ्रेंड्स, आई एम शेयरिंग विथ यू ब्यूटिफुल हैक। सो आई एम यूजिंग दिस टाइप ऑफ हुक, यू कैन यूज़ एस हुक। देखिए, ये दिखने में तो एस टाइप की जो हुक होती है उसी तरीके की है। तो इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर मैं आपको दिखा रही हूँ एज अ एग्ज़ाम्पल। सो आई एम शेयरिंग विथ यू एज अ एग्ज़ाम्पल। सो यहाँ पर मैंने इसको अटका दिया है, और इसमें जैसे कि हमारे यहाँ पर लॉक होती है, की रिंग होती है, हम लोग कहीं पर भी रख देते हैं। सो हम लोग इस तरीके से इसको हैंग करके रख सकते हैं, और देखिए ये जो है ना निकल जाएगा। इसी कारण मैं आपके साथ एक और हैक शेयर कर रही हूँ। हमारे पास कॉमनली सबके पास ही होते हैं इस टाइप के रबर, तो हमें इस तरीके से इसे सिक्योर कर लेना है, जिससे कि बिल्कुल भी नहीं निकलेगा और फिक्स हो जाएगा। नहीं तो कई बार ऐसा होता है कि हम लोग यूज़ करते हैं इस टाइप के जो हुक होते हैं, होल्डर होते हैं, हैंगर होते हैं, इस टाइप के हम लोग यूज़ करते हैं और वो निकल जाता है, तो हमें फिर बाद में यूज़ करने
का बिल्कुल भी मन नहीं करता है, तो यहाँ पर मैंने फ्लावर लगा दी। सो फ्रेंड्स, अगेन आई एम शेयरिंग अमेजिंग हैक, सो दिस इज़ अमेजिंग हैक, सो प्लीज़ वॉच कंटिन्यू एंड डोंट स्किप द वीडियो। सो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं हमारे यहाँ पर इस तरीके के सभी के यहाँ पर इस तरीके के रिमोट होते हैं, क्योंकि हम लोग टीवी वॉच करते हैं तो हमारे पास कॉमन सी बात है, हमारे घर में रिमोट होती है। तो फ्रेंड्स क्या हो जाता है, बहुत बार ऐसा हो जाता है कि हम लोग रिमोट कहीं पर भी रख देते हैं और हम लोग भूल जाते हैं, बहुत बार ऐसा होता है कि हमें बिल्कुल भी नहीं मिलता और उसके बाद हमें बहुत बार परेशान होना पड़ता है। तो देखिए, हम लोग इसको हैंग तो नहीं कर सकते हैं क्योंकि इसमें कुछ होता नहीं है, बट हम लोग इसको हैंग करने के लिए कुछ लगा सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पर मैंने जूट रोप का यूज़ किया है और इसको मैंने स्टिक किया है ग्लू गन से। आप चाहे तो फेविकॉल या फिर बहुत सारी जो चीज़ें आती या फिर आप लोग टेप से अभी इसको स्टिक कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने ग्लू गन का यूज़ किया, ग्लू गन में स्टिक ख़त्म हो गई थी, डैट्स वाई आई एम यूजिंग दिस टाइप ऑफ टेप। यू कैन आल्सो यूज़ दिस टाइप ऑफ टेप फॉर अ सिक्योर जूट रोप। सो फ्रेंड्स, यू कैन सी रिमोट इज़ रेडी टू हैंग। और देखिए, इस तरीके से हम लोग रिमोट को हैंग करके रख सकते हैं, जिससे कि हमारा रिमोट कहीं घूमेगा नहीं, कहीं नहीं जाए, एंड ऑलवेज हमारे आँखों के सामने ही रहेगा। सो फ्रेंड्स, कैसे लगे आपको आज का वीडियो एंड हैक्स एंड टिप्स, प्लीज़ डू लेट मी इन द कमेंट सेक्शन। और आपको पता ही है, अगर आप न्यू हो तो चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब करना है। अच्छे लगे आइडिया और हैक्स टिप्स अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक करना है, नहीं लगे तो डिसलाइक भी कर सकते हैं, नो इशू, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपकी चॉइस के ऊपर डिपेंड करता। तो चलिए मिलते हैं ऐसे ही वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।